नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्विज 9 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। आई एम विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, फिर हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू द टेबल बिलो रिगार्डिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, विच ऑफ दिस क्राइटेरिया आर करेक्ट। इधर मैं 1, 2, 3 लिखा है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, वेर इज दौलत बेगोल्डी एयर स्ट्रिप लोकेटेड। ठीक है, दौलत बेगोल्डी एयर स्ट्रिप कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 3, द 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड। 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 कब सेलिब्रेट होता है, 5, 6, 7, 8 अगस्त में। क्वेश्चन 4, विच डिविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्वेस्टिगेट्स एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन इंडिया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स जो होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के कौन से डिविजन इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज फोर्सेस आर नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये चारों में से कौन सा फोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वेर इज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 7, कैनिमेट, आईओ, यूरोपा, कैलिस्टस एक्सेट्रा आर द मून्स ऑफ विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये चारों कौन से प्लैनेट के मून्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्मोडियम विवैक्स ए पैरासाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ दिस डिजीज। प्लास्मोडियम विवैक्स नाम के पैरासाइट, पैरासाइट मतलब जो एक शरीर में ही रहना है, उनको अकेला नहीं रह सकता, दूसरे कोई शरीर में जाके जीवित रहते हो, उसको पैरासिट बोलते हैं। ये कौन से डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, चारों में कौन सा डिसीज। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दी स्पीशीज डज नॉट ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स एंड नर्स देयर यंग विद मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मैमरी ग्लैंड्स। बेसिकली मैमल, हम जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे, इन चारों में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस रनवेज इन इंडिया इज नॉट ए टेबल टॉप रनवे। इन चार रनवे में से टेबल टॉप रनवे कौन सा नहीं है। तो हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो गया, अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू द टेबल बिलो रिगार्डिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच ऑफ दिस क्राइटेरिया आर करेक्ट। देखो आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, तीनों सही है। मतलब देखो, माइक्रो नॉट मोर देन ₹1 करोड़, इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए माइक्रो में, और कंपनीज की एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और स्मॉल में क्या होता है 10 करोड़ से नीचे होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए एनुअल टर्नओवर। मीडियम में क्या होगा, नॉट मोर देन 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और कंपनी की एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ए इसकी गेसेट ऑर्डर है, इसमें क्लियर लिखा है। ये देखो 1, 2, 3 में माइक्रो एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डस नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, ऐसे तीनों लिखा है, ये पढ़ लेना पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज दौलत बेगोल्डी एयर स्ट्रिप लोकेटेड। ये लद्दाख में है। दौलत बेगोल्डी ऑल्सो ओल्डी DBO इज ए हिस्टोरिक कैंप सेट एंड करंट मिलिट्री बेस लोकेटेड इन लद्दाख इंडिया। इट इज नेम्ड आफ्टर सुल्तान सईद खान हु डाइड हियर ऑन हिज रिटर्न जर्नी आफ्टर द इन्वेशन ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर। पुराने एक सुल्तान थे, वो लद्दाख और कश्मीर को इन्वेट किए थे, जब वापस जाते वक्त इधर ही उनकी मौत हुई, तो उनके नाम से ये एयर स्ट्रिप जाना जाता है। देखो ये इधर आता है दौलत बेगोल्डी एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। ठीक है, एयरपोर्ट नहीं बोल सकते, एयर स्ट्रिप है, बेसिकली एक रनवे है एयरक्राफ्ट लैंड होने के लिए, बाकी जो एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इधर नहीं है। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है, ये क्या है कि ये चाइना से बहुत नजदीक है। चाइना वाले ये हम एयरपोर्ट बनाए, और हमने एक रोड बनाया है, देखो दरबुक से शोक होते हुए हम एयरपोर्ट तक, एयर स्ट्रिप तक जाते हैं, ये रोड हमने बनाया 250 किलोमीटर का। ये चाइनीज खुश नहीं है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो इसलिए ये न्यूज में आजकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट तो पता ही आप लोगों को 1942 में हुआ था, तो कौन से दिन क्विट इंडिया मूवमेंट डे करके सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। आंसर है डी, 8 अगस्त।
एक्सप्लेनेशन. ऑन द एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट द नेशन सेलिब्रेट्स द डे रिमेंबरिंग द हीरोइक करेज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री. बेसिकली ऑगस्ट 8, 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था. ऑगस्ट क्रांति दिवस भी बोलते हैं इसको. महात्मा गांधी जी ने बॉम्बे सेशन में ये लिखा है. बॉम्बे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बॉम्बे सेशन में डू और डाई कॉल भी दिए थे, ठीक है. और भारत छोड़ो आंदोलन, ये ऑगस्ट क्रांति मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं. और फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये होने के बाद काफी सारे लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आजाद जी, ये और महात्मा गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, ठीक है. तो यह था क्विट इंडिया डे के बारे में. क्वेश्चन नंबर 4, विच डिविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्वेस्टिगेट्स एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन इंडिया. देखो अभी अभी दो दिन पहले केरला में कैलिकट एयरपोर्ट में एक एक्सीडेंट हुआ, तो इन जैसे एक्सीडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के कौन से डिविजन इन्वेस्टिगेट करते हैं. तो आंसर है आंसर डी, ऑप्शन डी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. देखो इसका ऑर्डर यह है, न्यू दिल्ली 30 जुलाई 2012 को इश्यू हुआ है. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज बीन हिथरटो कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन बाय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कमिटी ऑफ इंक्वायरी. देखो ये एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एस्टैब्लिश होने से पहले डीजीसीए डायरेक्टली करता था ये काम. फिर 2012 के बाद मुझे लग रहा है 2010 में मैंगलोर में सेम टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एक्सीडेंट हुआ था मैंगलोर में, इसकी वजह से 2012 में ये एक्ट आया, केम इनटू इफेक्ट एंड ये एजेंसी शुरू हुई. तो ये जितने भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं तो इनको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं. देखो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स का डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूं आपको. एक्सीडेंट्स मतलब ये होता है जिसमें पब्लिक की जान गई, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ होता है. इंसिडेंट्स मतलब ये होता है छोटे मोटे, जैसे कि पब्लिक की जान तो नहीं गई और लोगों की किसी की मौत नहीं हुई पर एयरक्राफ्ट में काफी नुकसान हुआ है, तो इसको इंसिडेंट बोलते हैं. और एक्सीडेंट को एक्सीडेंट फ्लाइट सेफ्टी या एविएशन में यही बोलते हैं. एक्सीडेंट यही होता है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हुआ, इंसिडेंट यही बोलते हैं जिसमें लॉस ऑफ नहीं हुआ पर एयरक्राफ्ट को लॉस हुआ, ठीक है. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज फोर्सेस आर नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में इन चारों में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है. इंडियन कोस्ट गार्ड, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा डाउटफुल भी है, इसका देखते हैं. देखो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस रहता है, एक कौन कौन सा है, आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंडर रहते हैं. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, देखो कोस्ट गार्ड तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही है और अपना इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे रहते हैं. तो आंसर क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है. ओके, नाउ वेयर इज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड. आंसर है मणिपुर. बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है. बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकताक लेक है, ठीक है. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इज फेमस फॉर फुमडीज. फुमडीज लोकल लैंग्वेज बोलते हैं फ्लोटिंग स्वाम्स. स्वाम्स मतलब बेसिकली कीचड़ ही है एक टाइप का, फ्लोट करते हैं इसके ऊपर, ए जैसा है. देखो मैं फोटो डाला हूं और ये सबसे, इट इज ऑल्सो ए नेशनल पार्क फ्लोटिंग ओवर इट नेम्ड केबुल लमजाओ नेशनल पार्क. इंडिया के एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये इसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क. दिस पार्क वॉज फॉर्म ड्यू टू प्रिजर्व मेनी ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज. मणिपुरी ब्रो एंटिल डियर, एंटिल मतलब ये, इसको ये जो डियर का ये पोर्शन है इसको एंटिल बोलते हैं. कॉल्ड संगाई, संगाई डियर, ये संगाई डियर है. ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा दिखाई देता है. ये कि इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ये जब दौड़ते हैं हमें लगेगा कि ये डांस कर रहा है तो उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं. ये संगाई डियर है. तो और देखो 233 स्पीशीज ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, 100 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 425 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग इंडियन पैथरन सांबर इधर दिखाई देते हैं, ठीक है. तो ये था केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में. क्वेश्चन नंबर 7, गैनीमेड, आईओ, यूरोपे, कैलिस्टस एक्सेट्रा द मून्स ऑफ विच प्लैनेटरी सोलर सिस्टम. देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है जुपिटर. जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये आपको पता ही है, और लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम. ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. इट्स ए गैस जायंट
विद ए मास 1000 दैट ऑफ सन बट 2.5 टाइम्स दैट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कंबाइंड. इसका मतलब इसकी मास बहुत ज्यादा है, ये 1 by 1000 दैट ऑफ सन. ठीक है, सन के मास से 1 by 1000 है और बाकी सारे प्लैनेट्स को मिलाओगे तो इसका 2.5 टाइम्स इसका मास है, इतना मास है इसका. जुपिटर हैज 53 नेम मून्स, टोटल वैसे 79 मून्स है, इसमें 53 को नाम दिया है. तो इसमें से चार बड़े बड़े हैं, चार इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डाला इधर, यूरोपा, आईओ, गैनीमेड एंड कैलिस्टो. गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा मून भी है, ये चारों नाम याद रखना आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्मोडियम विवैक्स ए पैरासिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ दिस डिजीज. आंसर इज मलेरिया. प्लास्मोडियम विवैक्स इज ए प्रोटोसोवल पैरासिट एंड ह्यूमन पैथोजन. एक प्रोटोसोवल मतलब सिंगल सेल्ड, प्रोटोसोवल मतलब सिंगल सेल्ड है, पैरासिट मतलब अकेला नहीं दे सकता, दूसरे शरीर चाहिए इनको, और ये ह्यूमन पैथोजन, ह्यूमन में अफेक्ट होता है. द पैरासिट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज ऑफ रिकरिंग मलेरिया. ये पैरासिट मलेरिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है. ऑल्दो इट इज लेस वायरलेंट देन प्लास्मोडियम फाल्सीपैरम. देखो प्लास्मोडियम विवैक्स जैसा है, प्लास्मोडियम फाल्सीपैरम भी है, पर प्लास्मोडियम विवैक्स 75% ऑफ मलेरिया केस के कारण प्लास्मोडियम विवैक्स ही होता है, प्लास्मोडियम फाल्सीपैरम भी है, और द डेडलीस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मलेरिया पैरासिट्स भी है. ठीक है, जो प्लास्मोडियम फाल्सीपैरम है वो बहुत डेडलीस्ट है. पी विवैक्स, ये प्लास्मोडियम विवैक्स को पी विवैक्स भी बोलते हैं. मलेरिया इन्फेक्शन कैन लीड टू सीवियर डिजीज एंड डेथ. पी विवैक्स इज कैरियड बाय द फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो. ये भी ध्यान रखना है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, ये नाम याद ध्यान रखो, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो ये कैरी करता है पैरासिट को. अब मेल्स डू नॉट बाइट, ये तो आप लोगों को पता ही है, मॉस्किटोस में मेल बाइट नहीं करते हैं, ओनली फीमेल्स बाइट करती है, क्योंकि फीमेल्स को अंडे देने पड़ते हैं तो इन लोगों को ब्लड चाहिए. पर मेल मॉस्किटो जो कभी हमें काटते नहीं है, वो कैसे, वो जाके जो फूलों हैं, फ्लावर्स है, उसके नेक्टर मतलब जो शहद है वो पी के जीवित रहते हैं. जो फीमेल्स है वो ही काटते हैं हम ह्यूमन बींग्स और जानवर को, और ये मेल मॉस्किटो कभी हमें काटते नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस स्पीशीज जस्ट नॉट ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स एंड नर्स देयर यंग विद मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मैमरी ग्लैंड्स. बेसिकली इन चारों में से कौन सा नहीं है मैमल, मैमल मतलब हम जैसे, जो लंग्स से ब्रीथ नहीं करते हैं और अपने छोटों को दूध पिलाते हैं, अब मैमरी ग्लैंड्स स्तन से दूध नहीं पिलाते हैं. देखो उसका आंसर है शार्क. मैमल्स आर ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेपरेट सम फ्रॉम ऑल अदर्स. बेसिकली मैमल्स वही होते हैं जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे, जो भी होता है जिसका वार्म ब्लड है, हैव हेयर जिसके बाल रहते हैं, ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स, ठीक है, श्वास लेते हैं, और नर्स देयर यंग विद मिल्क, जो स्तन से दूध पिलाता है. और मरीन मैमल्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक. देखो मरीन मैमल्स मतलब मैमल्स जो ज्यादातर पानी में रहते हैं, वो अडाप्ट हो जाते हैं पानी में रह रहे के. देखो इनका पानी में रहने के बाद क्या होता है इनको, ये हमेशा टू कीप वार्म इन ओशन. देखो इनको वार्म रहने के लिए इनका जो शरीर है, इनमें एक थिक लेयर ऑफ ब्लबर मतलब फ्लैट, इनके शरीर में एक थिक लेयर ऑफ फैट रहता है, ठीक है, तो उनके शरीर उसकी वजह से गर्म रहते हैं. और दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम स्विम फास्टर. इनकी बॉडी एकदम स्ट्रीमलाइन रहती है, इसलिए वो स्विम कर सकती है जो ज्यादा स्पीड में, ठीक है. तो आंसर है शार्क्स. शार्क्स एक नॉर्मल फिश है. बाकी ब्लू वेल, ध्यान रखना, ब्लू वेल, डॉल्फिन और सील, ये तीनों मैमल है, मतलब ये तीनों को पानी के ऊपर आना पड़ेगा सांस लेने के लिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 एंड और फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ दिस रनवेज इन इंडिया इज नॉट ए टेबल टॉप रनवे. इन चारों में से टेबल टॉप रनवे कौन सा नहीं है. आंसर है अगाती एयरपोर्ट लक्षद्वीप. लक्षद्वीप हमारे एक आइलैंड है वेस्टर्न साइड में इंडिया का. और टेबल टॉप रनवे क्या है, ये टेबल टॉप रनवे इसलिए आजकल न्यूज में है क्योंकि कैलिकट एयरपोर्ट जिसमें अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक टेबल टॉप रनवे था. ये देखो टेबल टॉप रनवे ऐसे होता है, एक टेबल जैसा रहता है, एक माउंटेन के ऊपर, देखो टेबल के ऊपर ऐसे रहता है. अगर एयरक्राफ्ट इधर से लैंड हो गया, अगर इधर आके बंद नहीं हुआ मतलब ब्रेक नहीं मारा, तो ये इधर गिर जाएंगे. तो ये बहुत बहुत डेंजरस भी है, बहुत प्रिसाइज भी है, ठीक है. देखो एक टाइप ऑफ रनवे रिक्वेस्ट ए वेरी प्रिसाइज अप्रोच बाय पायलट, वो ट्रेन पायलट्स ये टेबल टॉप रनवे में लैंडिंग कराते हैं, ठीक है. तो ये रहा आंसर, अगाती एयरपोर्ट लक्षद्वीप. बाकी लिंगपी एयरपोर्ट मिजोरम, मैंगलोर एयरपोर्ट कर्नाटका, कैलिकट एयरपोर्ट केरला, ये तीनों टेबल टॉप है. और भी है शिमला में और कुल्लू में भी एयरपोर्ट से, वो दोनों टेबल टॉप्स है, वो भी माउंटेनियस एरिया है तो टेबल टॉप्स होगा ही, ठीक है. इसे हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हुआ है. आप लोगों को अगर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन और आंसर्स अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपके मार्क्स जरूर लिखेंगे नीचे, और ये पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो
बाय बाय।